एक बार की बात है, शंकर नगर में एक मोहन नाम का बिरयानी वाला रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म बिरयानी बनाता था। उसकी बिरयानी दूर दूर तक मशहूर थी और उसकी दुकान पर हरदम भीड़ रहा करती थी। एक बार रात में मोहन की दुकान पर, अरे मोहन भैया, क्या बिरयानी बनाते हो यार तुम? मन करता है बिरयानी के साथ साथ थाली भी खा जाऊं। अरे नन्हे भैया, लेट खाओगे तो सुबह दिक्कत होगी टॉयलेट में, आप सिर्फ बिरयानी ही खाओ। नन्हे और मोहन की बात वहीं खड़ी चुड़ैल सुन रही होती है। अच्छा, तो ये भीड़ बिरयानी के लिए है, क्यों ना मैं भी खाऊं बिरयानी जाकर। ऐसा कहकर चुड़ैल रूप बदल कर मोहन की दुकान पर जाती है और बिरयानी खाकर आ जाती है। अरे वाह, सही में बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बिरयानी है, मजा ही आ गया। इतना स्वाद तो मुझे तब भी नहीं मिला जब मैं जिंदा थी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और मोहन भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर पर चला जाता है। लेकिन भुक्खड़ चुड़ैल को रात में फिर से बिरयानी खाने का मन कर जाता है। अरे यार, ये बिरयानी खाने का मन फिर से क्यों कर रहा है? क्या करूँ, एक काम करती हूँ, उस मोहन नाम के बिरयानी वाले के यहाँ से खाकर आ जाती हूँ। चुड़ैल बिरयानी के लालच में मोहन के घर पर पहुँचती है। वहाँ मोहन और मोहन की पत्नी रज्जो बिरयानी खा रहे होते हैं। वैसे एक बात बोलूं पिंकी के पापा, तुमको मर्द नहीं औरत बनना चाहिए था। क्या मस्त खाना बनाते हो। रज्जो की बात सुनकर मोहन हंसते हुए कहता है, अरे मेरी रज्जो डार्लिंग, इस घर की मर्द तो तुम ही हो। चलो तुम खाओ, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है और रज्जो के अंदर समा जाती है। रज्जो की आंखें डरावनी और लाल लाल हो जाती हैं। इस रज्जो के शरीर में रहूंगी तो रोज बिरयानी खाने को मिलेगी, मुझे मजा ही आ जाएगा। फिर चुड़ैल रज्जो के शरीर में घुसकर सारी बिरयानी खा जाती है। उसके बाद तो रज्जो मोहन से हर रोज बिरयानी पकवाती और रोज खाती। रज्जो की बदली हुई आदतें देखकर मोहन को शक होता है और वो रज्जो से पूछता है, अरे रज्जो, तुम पिछले कई दिनों से रोज बिरयानी खा रही हो, तुम्हारा कुछ और खाने का मन नहीं करता? मैं तो बिरयानी खा कर और देख देख कर परेशान हो गया हूँ। मोहन की बात सुनकर रज्जो मोहन से बोलती है, अब तुम बोर हो गए हो तो हम क्या करें, हम खाएं भी नहीं अपनी मर्जी का, जब तक मेरा मन है मैं बिरयानी खाऊंगी, समझे? अब जाओ अपना काम करो। रज्जो मोहन को डांट कर वहाँ से चली जाती है। मोहन भी अपने काम पर लग जाता है। एक रात चुड़ैल बाहर निकलती है और रज्जो से बोलती है, अरे रज्जो, तू तो बड़ी ही किस्मत वाली है, क्या मस्त बावर्ची पति मिला है तुझे, क्या मस्त मस्त बिरयानी बनाकर खिलाता है तुझे। चुड़ैल की बात सुनकर रज्जो कहती है, चुड़ैल तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जहाँ कहीं से भी आई हूँ, लेकिन अब मैं तेरे शरीर में ही रहती हूँ और जब तक मेरा मन करेगा मैं तेरे शरीर में ही रहूंगी, समझी क्या? चुड़ैल की बात सुनकर रज्जो चुड़ैल से बोलती है, नहीं नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन चुड़ैल फिर से रज्जो के शरीर के अंदर समा जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी वहाँ रज्जो आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ जी, अभी तक बिरयानी नहीं बनाई आपने, चलो आज मैं भी देखती हूँ आप बिरयानी कैसे बनाते हैं। रज्जो की बात सुनकर मोहन गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ए औरत, ज्यादा मत बोल, खाने को दे रहा हूँ ना, तू सिर्फ खाने का काम कर, ज्यादा दिमाग ना चला, ये मेरा काम है। मोहन को गुस्से में देखकर रज्जो वहाँ से चली जाती है। मोहन अपने काम में लग जाता है और बिरयानी बनाकर बाजार में बेचने चला जाता है। ये मोहन बिरयानी बनती देखने के नाम पर इतना क्यों उछल रहा है, ये ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं देख सकती, मुझे पता लगाना होगा इसकी बिरयानी का राज। उसके बाद रज्जो मोहन पर नजर रखने लगती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बिरयानी बनाने का तरीका पता नहीं चल पाता। लेकिन एक रात जब मोहन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा होता है, रज्जो छिपकर देखने लगती है। जब से मैं इस बिरयानी में बच्चों का मांस मिला रहा हूँ, तब से लोग बहुत ही चटकारे लेकर बिरयानी खा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्द शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मोहन की बात सुनकर रज्जो हैरान रह जाती है और डरावनी आवाज में बोलती है,
अरे ये मोहन तो बहुत बड़ा शैतान निकला, छोटे छोटे बच्चों का मांस मिलाकर इसमें खिला रहा है। इस दुष्ट की तो जान ले लेनी चाहिए, मुझे इसकी पत्नी को सब बताना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल रज्जो के शरीर से बाहर आ जाती है और रज्जो को मोहन के बारे में सब बताने लगती है, जिसे सुनकर रज्जो हंसने लगती है और बोलती है चुड़ैल की बच्ची ये सब मैं जानती हूँ मोहन ये सब कुछ मेरे कहने पर ही तो कर रहा है। रज्जो की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या तुम दोनों इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो, ये गलत है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। लेकिन चुड़ैल जैसे ही रज्जो को मारने की कोशिश करती है, चुड़ैल रज्जो के आर पार निकल जाती है चुड़ैल तू मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं पहले से ही मरी हुई हूँ, मेरे पति इंसानी बच्चों की बलि दे रहे हैं ताकि मैं जिंदा हो सकूं। रज्जो की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम दोनों पागल हो गए हो, कहीं इंसान की बलि देने से भी कोई अमर हुआ है। चुड़ैल और रज्जो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गांव वाले मशाल लेकर आ जाते हैं और चुड़ैल की तरफ देखते हुए बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल तो ये तू है जिसने हमारे बच्चों को हमसे छीना, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इस मोहन और इसकी मरी हुई पत्नी रज्जो का किया धरा है। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और बोलता है देखा देखा भाइयों, मैंने कहा था ना कि ये चुड़ैल आखिरी में हम दोनों पति पत्नी पर ही ये झूठा आरोप लगाएगी। अब तुम गांव वालों की मर्जी है, जैसा करना हो करो। अरे कैसी बात करते हो मोहन भैया, हम नहीं जानते क्या आपको? आप कुछ मत बोलो, हमें पता है ये चुड़ैल झूठ बोल रही है, ये सब इसी ने किया है। ऐसा कहकर सारे गांव वाले चुड़ैल पर लाठी और डंडों से हमला कर देते हैं। चुड़ैल वहां से किसी तरह जान बचाकर भागती है। चुड़ैल के जाने के बाद गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। मोहन रज्जो से कहता है देखा देखा रज्जो डार्लिंग, मेरी प्लानिंग, अब ये गांव वाले हमेशा उस चुड़ैल को ही बच्चों का कातिल मानेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। मान गए मोहन, तुम्हारा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। उधर चुड़ैल जंगल में चली जाती है। ये गांव वाले तो मुझे अपना दुश्मन मानकर बैठे हैं, जबकि मैंने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली, मैं क्या करूं? चुड़ैल सोच में पड़ी थी, तभी उसे एक साधु बाबा तपस्या में लीन दिखते हैं। ये बाबा बहुत ही पहुंचे हुए लग रहे हैं, क्यों ना उनसे इस बारे में बात करूं, शायद यही कोई रास्ता निकाल पाए। फिर चुड़ैल बाबा के उठने के इंतजार में उनके पैरों के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब बाबा की आंख खुलती है, बेटी तुम यहाँ, क्या हुआ? आज एक चुड़ैल को इस बाबा की जरूरत कैसे पड़ गई? बाबा की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, बाबा मुझे अपने लिए आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि इस गांव के बच्चों की रक्षा के लिए आपकी जरूरत है। फिर चुड़ैल बाबा को मोहन और उसकी पत्नी रज्जो के बारे में पूरी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद बाबा बोलते हैं, इन दुष्ट पति पत्नी का कुछ करना होगा, इस मोहन को जरूर काला जादू आता है जिससे इसने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को वश में कर रखा है, मुझे ले चलो उन दोनों के पास। फिर बाबा और चुड़ैल मोहन के पास चले जाते हैं। मोहन बाबा और चुड़ैल को देखकर बोलता है पहली बार साधु और चुड़ैल को साथ में देख रहा हूँ मजा आ गया मजा आ गया। मोहन ज्यादा ही मत कर और अपनी पत्नी की आत्मा को यहाँ से जाने दे और बच्चों की हत्या बंद कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर बाबा अपने हाथ ऊपर करते हैं। उनके हाथों से एक तेज रोशनी निकलती है जो रज्जो के ऊपर पड़ती है। रज्जो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख मोहन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये क्या किया बुड्ढे, मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरी पत्नी की आत्मा को यहाँ से भेज दिया, अब तेरी बारी है।
ऐसा कहकर बाबा एक त्रिशूल से मोहन की गर्दन काट देते हैं। बाबा अब धन्य है, आपने कितने मासूम बच्चों की जान बचा ली, नहीं तो ये दुष्ट उनको ऐसे ही मार डालता। फिर चुड़ैल और बाबा अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं।